अपने थॉट्स और एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें हर फील्ड में सक्सेस मिल जाती है। ये कम्युनिकेशन स्किल ही है जो अगर आपके टैलेंट और पैशन के साथ मिल जाए तो आपको स्टार बना सकती है। और अगर हार्डवर्किंग और सिंसियर होने के बाद भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो, कमजोर हो, तो आपके अंदर के स्टार की चमक फीकी भी कर सकती है। ऐसे में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की पावर का अंदाजा तो हो ही गया होगा और आप भी चाहते होंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग बन जाए। इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए और आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करने के लिए क्विक सपोर्ट ये वीडियो लेकर आया है, जिसे देखने के बाद आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग करने के लिए सही ट्रैक पर काम करना शुरू कर देंगे। और इसीलिए वीडियो को फुर्सत से पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग बनाने का प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले अपने थॉट्स और फीलिंग्स के प्रति आप जागरूक रहे, अवेयर बनिए। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही कमजोर है, इसीलिए हम अपनी बात को ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका असली कारण ये भी हो सकता है कि हम खुद अपने थॉट्स और फीलिंग्स के प्रति अवेयर नहीं होते हैं। हम नहीं जानते हैं कि किसी भी टॉपिक पर हमारी क्लियर ओपिनियन क्या है और हम किसी भी मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं। ऐसे में जब हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है तो हम कंफ्यूज फील करते हैं और सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसलिए बाकी सारे स्किल सीखने से पहले अपने थॉट पैटर्न को क्लियर करना और क्लियर ओपिनियन रखना शुरू कीजिए। इसी के साथ आगे खुद को एक्सप्रेस करना भी आपको शुरू करना होगा। अचानक से ऑफिस कॉन्फ्रेंस में या बहुत से लोगों के बीच बोलने के लिए तैयार मत हो जाइए, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अपने आप से क्लियर कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए, फिर अपने फैमिली मेंबर्स के बीच अपनी ओपिनियन रखना शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे दोस्तों के बीच, ऑफिस कलीग्स के बीच होने वाले डिस्कशंस में पार्ट लीजिए। ऐसा करते करते आप अपने आप ही कॉन्फ्रेंस और क्राउड के बीच बोलने और खुद को एक्सप्रेस करने में एक्सपर्ट बनते जाएंगे। इसीलिए अभी से शुरुआत कर दीजिए। तीसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। स्मॉल स्टेप्स पर खुद को एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करने के दौरान भी और उसके बाद बड़े लेवल पर खुद को इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट करने के लिए भी आपको बॉडी लैंग्वेज पर कमांड बनानी होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन केवल बोलने से नहीं होता है बल्कि इशारों से भी बहुत कुछ कहा सुना जाता है। इसलिए अब जान लेते हैं 3 इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज टिप्स जो कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगे। पहला है कि स्ट्रांग एंड क्लियर बॉडी लैंग्वेज बनाए रखिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन को सुपर हिट भी बना सकती है और बीच में रोक भी सकती है। अच्छे कॉन्वर्सेशन के बीच में अगर आप गलत पॉस्चर रखें तो बात बिगड़ सकती है, और अगर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में भी आपकी बॉडी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट रहे तो बिगड़ी हुई बात भी बड़ी आसानी से बन सकती है। इसीलिए कम्युनिकेशन के दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज के प्रति आपको अवेयर रहना होगा। कम्युनिकेशन के टाइम हाथों को बांध कर मत रखिए, कंधों को ऊंचा मत रखिए, बल्कि ओपन हैंड जेस्चर्स यूज कीजिए। आगे दूसरी टिप है आई कॉन्टेक्ट बनाकर रखिए। सक्सेसफुल इंटरेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप बोलते टाइम भी और सुनते टाइम भी सामने वाले पर्सन की आंखों में देखते रहे। ऐसा करने से दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन में एनकरेजमेंट और इंटरेस्ट बना रहता है। तीसरा पॉइंट है कि कॉन्वर्सेशन के दौरान जेस्चर्स भी यूज कीजिए। केवल आई कॉन्टेक्ट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट शो करने के लिए आपको फेस और हैंड से जेस्चर्स भी देने होंगे, ताकि ऐसा लगे कि आपकी पूरी बॉडी इस टॉक में पार्ट ले रही है। तो बॉडी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट टिप्स को फॉलो करने के अलावा वर्ड्स को सही तरीके से यूज करना भी आपको सीखना होगा, क्योंकि केवल इम्प्रेसिव बॉडी लैंग्वेज ही आपकी मदद नहीं कर पाएगी जब तक आपके बोले हुए शब्द, आपके बोले हुए वर्ड्स अप्रोप्रिएट और इम्प्रेसिव नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल वर्ड्स को आपको चूज करना है और उन्हें क्लियर वॉइस में इस तरीके से बोलना है कि सुनने वाले को हर शब्द साफ साफ समझ में आए और उन वर्ड्स के जरिए कही गई आपकी बात भी। ऐसा ना हो कि पास बैठे पर्सन से बात करते टाइम आप जोर से बात करें और क्राउड के सामने आप बहुत ही धीमी आवाज में अपनी बात कहे। ऐसे वर्ड्स का यूज करने से भी बचे जिनका सही मतलब आप जानते ही नहीं। अपने प्रोनंसिएशन पर भी आपको वर्क करना होगा ताकि आप वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस कर सके। ये सभी पॉइंट्स भले ही बहुत छोटे लगे, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन सब का एक साथ होना बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हो, ऑफिस जाते हो या होम मेकर हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आप इन सारे टिप्स को अभी से आजमाना शुरू कर दीजिए। और अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा टिप्स चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा टिप ये है कि अपनी बातों में थोड़ा ह्यूमर ऐड कर लीजिए, ताकि आपका स्ट्रेस तो दूर हो, साथ ही आपको सुनने वाले और आपसे इंटरेक्ट करने वाले लोग भी आपको ज्यादा पसंद करने लगे। इसके साथ ही अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आई एम श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताइए। और साथ ही ऐसी जानकारियों के लिए आपको क्या करना है, क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना है जहां पर आपको लगता है कि इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके एक दोस्त को, किसी रिलेटिव को या किसी और को भी। तो रखिए अपना ध्यान बहुत सारा। धन्यवाद।